In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all will be fine. I'm here to teach you lesson number 6 of class 2, the story of band Ed. So I have written the difficult words from this lesson, so read it aloud with me. Band Ed, Marham Patti. बैंड एड का क्या मतलब है? मरहम पट्टी, चौक काटना. गेज, गॉज, सूती कपड़े वगैरह के लिए. और फैक्ट्री, कारखाना जहाँ पर सामान वगैरह बनता है. स्पेशल, खास. केयरलेस, लापरवाह. बड़ी, परेशान. ग्रोन अप, बड़े. सही है. इसी तरीके से बेटा ये जो लेसन है हमारा, ये पेज नंबर 46 पर इसकी एक स्टार्टर एक्टिविटी है. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट डाउन देयर नेम्स. हाउ डू वी यूज ईच ऑफ दीज. इनके हमने नाम लिखने हैं. ये सब ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो आप लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इन्हें पहचानते हैं. इनके आप नाम लिखेंगे. उसके बाद कह रहे हैं बेटा ये पेज नंबर 47 पर ये लेसन है. आपने क्या करना है, मैं अभी रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. आपने भी किसी एक पैराग्राफ की हमें रीडिंग की ऑडियो भेजनी है हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर. नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस लेसन. हियर इज द स्टोरी ऑफ हाउ बैंड एड वाज फर्स्ट मेड. ये कहानी है कि किस तरीके से ये पट्टी जो है, मरहम पट्टी जो है, कोई भी जख्म वगैरह हो जाए उस पर जो मरहम पट्टी लगाई जाती है वो बनाई गई. बैंड एड इज ऑल्सो एन इन्वेंशन डेट हैज़ हेल्प मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. और ये एक ऐसी ईजाद है बेटा बैंड एड जो दुनिया भर में लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. रीड एंड फाइंड आउट हु मेड द फर्स्ट बैंड एड एंड हाउ ही डिड इट. आए पढ़ें और ये तलाश करें कि किसने ये पहली बार बनाई और कैसे बनाई. व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑन योर हैंड और योर लेग. आप क्या करते हैं जब आपका हाथ, आपके हाथ पर एक छोटा सा कट आ जाए, कट जाए आपका हाथ या आपकी टांग पर. यू अप्लाई बैंड एड. आप क्या करते हैं बेटा, पट्टी लगाते हैं उस पर. डू यू नो हु फर्स्ट मेड बैंड एड और वेयर इट वॉज मेड. क्या आप जानते हैं ये कैसे बनी और किसने बनाई पहली बार. बैंड एड वॉज फर्स्ट मेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय अ मैन named Earl Dixon. किसने बनाई बेटा, अमेरिका का एक शख्स था जिसका नाम अर्ल डिक्सन था, उसने सबसे पहले ये बैंड एड बनाई थी. अर्ल डिक्सन ऑलवेज वरीड अबाउट जोसेफाइन हिज वाइफ. जोसेफाइन वॉज वेरी केयरलेस. शी ऑफन कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स. अर्ल डिक्सन हमेशा परेशान रहते थे. उसकी बीवी जिसका नाम जोसेफाइन था वो बहुत लापरवाह थी. वो जब भी सब्जियां काटती थी तो वह जो है ना, उसकी उंगलियां जो है वो उसके साथ कट जाती थी अक्सर और बेशतर, छोटे छोटे उस पर कट लग जाते थे. अर्ल डिक्सन वर्ड फॉर जॉनसन एंड जॉनसन. वो किसके लिए काम करता था, जॉनसन के लिए. द कंपनी मेड बैंडेजेस. ये कंपनी जो है वो क्या बनाती थी, मरहम पट्टियां बनाती थी. अर्ल वॉज वरीड That Josephine would cut her finger and hurt herself. उसे ये डर था और वो परेशान रहता था कि उसकी बीवी Josephine जो है वो बहुत लापरवाह है, वो अपनी उंगलियाँ काट लेगी और अपने आप को जो है वो जख्मी कर लेगी. What if she cuts herself when I am not there? और अगर मैं घर पर ना हुआ और उसके उंगलियाँ वगैरह कट गई या हाथ पर कट निशान पड़ गया तो क्या होगा. Earl thought, who will help her tie the bandage? कौन जो है उसकी मदद करेगा पट्टी बांधने के लिए. इन दोज डेज देयर वर नो बैंड एड्स. उन दिनों में कोई भी पट्टी वगैरह जो है पट्टी नहीं होती थी जो लगाई जाए. आई मस्ट मेक समथिंग दैट माई वाइफ कैन यूज ऑन हर ओन. मुझे ऐसी चीज बनानी चाहिए जो मेरी बीवी खुद से इस्तेमाल कर सके अगर मैं जब घर पर ना हूं. अर्ल सेड टू हिमसेल्फ. अर्ल ने अपने आप से कहा. वन डे आफ्टर मच थॉट He made a special bandage for her. एक दिन काफ़ी सोच विचार के बाद उसने एक ख़ास किस्म की पट्टी बनाई अपनी बीवी के लिए. He used tapes to make his this bandage. उसने टेप इस्तेमाल की इस बैंडेज, इस पट्टी को जो है वो लगाने के लिए.
बिटवीन दीज टेप्स ही पुट स्क्वायर बिट्स ऑफ गेज, और उसके दरमियान वो जो टेप थी उसके दरमियान ही पुट स्क्वायर बिट्स ऑफ गेज, वो जो सूती कपड़ा था वाइट नेट था उसने उसमें वो लगा दिया। देन ही कट द लॉन्ग टेप्स इंटू अ स्मॉल पीसेस, फिर उसने वो जो लॉन्ग टेप थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट दिया। ही कॉल दीज पीसेज बैंड एड्स, और इसने उसे नाम दिया मरहम पट्टी का। ही कैप दीज बैंड एड्स एट होम, उसने वो मरहम पट्टी अपने घर पर रखी। हीज वाइफ कुड यूज देम ऑन हर ऑन विदाउट हिज हेल्प, उसकी बीवी ये इस्तेमाल कर सकती थी अगर जब अर्ल डिक्सन घर पर नहीं होते, अगर उसकी उंगली वगैरह कट जाती तो वो खुद से इस्तेमाल कर सकती थी। सम पीपल इन हिज फैक्ट्री हर्ड अबाउट इट, कुछ लोगों ने जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे इसके बारे में सुना। दे लव्ड हिज आइडिया, उन्हें इसका ये ख्याल बहुत पसंद आया। सून दे स्टार्टेड मेकिंग देम एट द फैक्ट्री, और जल्द ही ये लोग बैंड एड जो है वो फैक्ट्री में कारखाने में बनाने लगे। दिस इज हाउ बैंड एड्स वर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीबडी, इसी तरीके से बैंड एड जो है वो पहली बार बनाई गई और हर एक शख्स के लिए बनाई गई। नाउ बैंड एड्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये मरहम पट्टी जो है वो दुनिया भर में हर जगह पर इस्तेमाल होती है। दे आर यूज बाय एवरीवन, चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स टू, ये बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। बेटा आपको आई होप ये स्टोरी समझ आई होगी, बैंड एड की इंटरेस्टिंग स्टोरी है छोटी सी। अब बेटा हम इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको पता है जैसे लास्ट लेसन में था अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अर्ल डिक्सन वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज वाइफ बिकॉज, अर्ल डिक्सन हमेशा जो है वो पेज नंबर 48 पर है, अर्ल डिक्सन हमेशा परेशान रहते थे अपनी बीवी के लिए क्योंकि शी वॉज ऑलवेज चॉप वेजिटेबल, वो हमेशा सब्जियां काटती थी। शी ऑफन कट हर फिंगर्स बाई चॉपिंग वेजिटेबल, जब वो सब्जियां काटती होती तो उस वक्त वो अपनी उंगली भी साथ में जो है वो काट डालती थी। शी स्पेंड ऑल टाइम इन द किचन, वो हर वक्त किचन में गुजारती थी। सो वॉट इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट, यस ऑप्शन बी। विच कंपनी डिड अर्ल डिक्सन वर्क विथ, कौन सी कंपनी के साथ अर्ल डिक्सन काम करता था? मैरी एंड मैरी, जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड मैरी। तो बेटा इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी जॉनसन एंड जॉनसन। व्हाट वाज अर्ल डिक्सन न्यू आइडिया, अर्ल डिक्सन का जो न्यू आइडिया था वो क्या था? इसका आंसर भी इन्होंने यहां लिखा है, बस हमें ब्लैंक एक फिल करनी है। हिज न्यू आइडिया वाज टू मेक टिनी बैंडेजेस दैट जोसेफाइन कुड यूज विदाउट एनीवनस हेल्प। सही है कि उसने ये कि ऐसी एक छोटी सी पट्टी बनाना चाहता था वो, जिससे उसकी बीवी खुद से इस्तेमाल करे किसी की मदद के बगैर। अर्ल डिक्सन क्रिएटेड स्मॉल बैंडेजेस बिकॉज उसने जो है वो छोटी बैंडेज मरहम पट्टी जो है वो बनाने में कामयाब हो गया क्योंकि ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग, ही वॉन्टेड टू गिव न्यू आइडिया टू हिज कंपनी, ही वॉन्टेड हिज बैंडेजेस दैट जोसेफाइन कुड यूज विदाउट हिज हेल्प। किस वजह से बेटा? वो इस वजह से बनाना चाहते थे ताकि उसकी बीवी जो है लापरवाही की वजह से जब उसके कट लग जाते थे उंगलियों पर तो वो उसकी गैर मौजूदगी में इस्तेमाल कर सकें। डिड द पीपल एट द फैक्ट्री लाइक अर्ल्स न्यू आइडिया, क्या लोग जो उसके कारखाने में काम करते थे उन्हें इसका ये आइडिया पसंद आया या नहीं? यस पसंद आया। व्हाट आर द टिनी बैंडेजेस कॉल्ड टुडे, कि जो छोटी छोटी पट्टियां हैं इन्हें आज क्या कहते हैं? बैंड एड कहते हैं। नाउ पेज नंबर 49, लर्निंग वर्ड्स है हमारे पास, क्या है? लर्निंग वर्ड्स में हमें क्या करना है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन, हमें क्या करना है? अपोजिट वर्ड लिखने। किस तरीके से? जैसे वर्ड होता है बेटा डे, उसका अपोजिट क्या होता है? नाइट। जैसे गुड अच्छा, बैड बुरा। सही है, इसी तरीके से हमें यहां पर ये जो ब्लैंक है ये इसी में फिल करनी है। इसमें वर्ड दिया उसका अपोजिट लिखना है, एलेक्स डैश वेक्स अप इन द मॉर्निंग, तानिया हिज सिस्टर नेवर वेक्स अप बिफोर 7 AM। अब नेवर यहां दिया हुआ है, उसका जो अपोजिट हमने लिखना है वो लिखना है एलेक्स के बारे में कि एलेक्स जो है वो हमेशा, नेवर का बेटा एवर भी होता है, ऑलवेज भी होता है, फॉरएवर भी होता है। सही है, इसी तरीके से लार्ज का
स्मॉल का क्या होता है? बिग। स्मॉल का क्या होगा बेटा? यहां कह रहे हैं कि एट द ब्रेकफास्ट टेबल एलेक्स गॉट मिल्क इन अ स्मॉल ग्लास। सुबह के नाश्ते के वक्त एलेक्स को जो है छोटा सा एक दूध का ग्लास दिया। ही वॉन्टेड अ डैश वन, लेकिन वो क्या चाहता था? बड़ा ग्लास चाहता था, बिग वन। तो स्मॉल का अपोजिट क्या होता है बेटा? बिग। इसी तरीके से नंबर 3 और 4 आप खुद करेंगे या अपने बुक पर करने हैं। अब हमारे पास है बेटा स्पेलिंग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये भी पेज नंबर 49 पर है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी कट हरसेल्फ बाय चॉपिंग वेजिटेबल्स विद अ नाइफ और ही केम अप विद द न्यू आइडिया आफ्टर मच थॉट। यहां पर अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमने जो है वो न्यू वर्ड बनाने। ये देखें, कुछ वर्ड जो है वो सी एच पर खत्म होते हैं, कुछ सी एच से स्टार्ट होते हैं। तो हमें यहां पर सी एच दिया हुआ है, उसके साथ हमें वर्ड स्टार्ट करने। जैसे हमने सी एच से पहले एम यू लगा दिया तो क्या बन गया हमारे पास? मच। और सी एच के साथ हमने आई डबल एल लगा दिया, क्या बन गया? चिल। या आई एल डी लगा दिया, क्या बन गया बेटा? चाइल्ड। इसी तरीके से हमने यहां पर लिख दिया एस यू लिख दिया तो क्या बन गया बेटा? सच। ये आपने जो है वो अपनी कॉपी पर इसे ड्रॉ करना है, इसी तरीके से एक सर्किल बनाकर ये वर्ड्स बनाने हैं और नीचे लिखने हैं। अब बेटा हमारे पास आता है लैंग्वेज इन यूज। लैंग्वेज इन यूज में हमारे पास प्रोनाउन है। हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। अब बेटा देखें, जैसे मेरा नाम क्या है? ताहिर। तो हमने यहां पर यूज किया, मैं अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा आई। अब मैं कहूं तंजील इज मैथ्स टीचर, अब मैंने किसका नाम लिया? तंजील का। तो अब यहां पर तंजील के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। और अगर मैं कहूं शी इज और सारा इज माई केमिस्ट्री टीचर, ये साइंस टीचर, अब मैंने लव इस्तेमाल किया, क्या? सारा। तो अब सारा के लिए हम कौन सा हेल्प वो यूज करेंगे? प्रोनाउन शी। गर्ल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? शी। एक से ज्यादा जो लोग होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? दे। कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हम? दे। और आई की प्लूरल क्या होती है? वी, यानी कि हम। अगर हम अपने बारे में बात करें कि हम पूरी क्लास ये चाहते हैं कि हम जो है वो पिकनिक पर जाएं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? वी। और तू या आप के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? यू। कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? यू। ये हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद ही शी इट और दे। जैसे कहा टोनी एंड मिनी, अब ये दो लोग होंगे, जब दो लोग होंगे तो उसके साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे। और इसी तरीके से द ब्लैक डॉग, इसके साथ हम क्या लिखेंगे? इट। और दियर आंट है तो क्या हो जाएगा? शी। और हर। इसी तरीके से बेटा आपने जो है क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके प्रोनाउन लिखने हैं। लेट्स राइट, आस्क टू ऑफ योर फैमिली मेंबर्स राइट डाउन देयर आंसर हियर, लुक एट द एग्जांपल्स बिलो। दिस इज माय फादर, ही इज एन आर्टिस्ट, ही पेंट्स कलरफुल पिक्चर। अब यानी कि आपने क्या करना है इस तरीके से, व्हाट पीपल डू इन योर फैमिली टू डू आई, आपके घर पर आपके अब्बू आपके भाई जो है वो क्या करते हैं, इस तरीके से आपने लिखना है। जैसे इसने कहा दिस इज माय फादर एंड ही इज एन आर्टिस्ट एंड ही पेंट्स कलरफुल पिक्चर। इसी तरीके से आपने अपने भाई से पूछते हैं, वो प्रैक्टिस करनी है कि वो क्या करते हैं, उसे फिर आपने इंग्लिश में बोलना है वो क्या करते हैं और किस तरीके से जो है वो रोजी कमाते हैं। उसके बाद बेटा हम लास्ट लेसन में ये कह रहे हैं इन्वेंटर के नाम लिखने हैं हमने, यानी कि ये बताना है कि इसने क्या इन्वेंट किया।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया, वो आपने लिखना यहां पर 1876 में। और थॉमस अल्वा एडिसन ने बेटा लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, क्या इन्वेंट किया था, लाइट बल्ब। ये कौन से ईयर में किया था आपने वो लिखना है। जॉन लॉर्ड बॉयल इसने क्या है जज किया था बेटा 1926 में टेलीविजन, ये आप खुद करेंगे। कह रहे हियर इज अस्मा टॉकिंग अबाउट व्हाट शी डज ऑन संडेज, यहां पर अस्मा की बातें जो है वो बताई गई हैं कि वो संडे वाले दिन क्या करती है। ऑन संडेज आई वेक अप अराउंड 8 o'clock आफ्टर अ शावर एंड ब्रेकफास्ट, आई गो विद माय डैड एंड वॉक टू सुपरमार्केट, आई स्पेंड टाइम इन बुक शॉप लुकिंग एट बुक्स एंड टॉयज। कहती है हर इतवार के दिन मैं 8 बजे के करीब उठती हूँ, गुसल लेने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ सुपरमार्केट चली जाती हूँ और वहां पर मैं ज्यादातर अपना वक्त किताबों वाली दुकान पर गुजारती हूँ और खिलौने देखती हूँ और किताबें देखती हूँ। What do you do on Sundays? Talk about two or three sentences to your friend। बेटा आपने भी ये बता रहे हैं कि आप संडे वाले दिन जो है वो क्या करते हैं, ये आपने क्या करनी है, ऑडियो बनानी है। इसी तरीके से 2 से 3 सेंटेंस आपने इंग्लिश में जो है वो हमें बताने कि आप संडे वाले दिन क्या करते हैं, जैसे ये अस्मा ने हमें बताया। आई होप ये लेसन भी आपको समझ आ गया होगा और ये एक्सरसाइज भी आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, वी विल मीट अगेन।